2014 वाले साल में 26 दिन ऐसे थे जब दिल्ली गैस चैम्बर बन गई थी, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल था। 2022 में केवल 6 दिन ऐसे थे जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब था। 2016 में 26 दिन खराब थे, 2022 में 6 दिन खराब थे। थोड़ा सा इंतजार करो, मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली वाले मिलके ये 6 दिन भी खत्म कर देंगे, आने वाले सालों में एक दिन भी खराब नहीं होगा। एक तरफ विकास हो रहा है, विकास की वजह से मान लो नई सड़क बनती है तो पेड़ तो काटने ही पड़ते हैं, तो पेड़ तो काटते हैं, लेकिन अब हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बनाई है। अब टेक्नोलॉजी आ गई कि आप अगर कोई बड़ा पेड़ काटोगे तो उसको काटने की जरूरत नहीं है, उसको खराब करने की जरूरत नहीं है, उसको नीचे से जड़ों के साथ पेड़ को निकालते हैं और कहीं और जाके लगा देते हैं। इसको ट्री ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का दिल्ली के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हमने अपनी पॉलिसी बदली और हमने कहा कि भाई पेड़ अगर काटोगे तो दो काम करने पड़ेंगे। एक पेड़ काटने पे आपको 10 नए पेड़ लगाने पड़ेंगे, नए पौधे लगाने पड़ेंगे, ये तो करना ही है। इसके अलावा जो पेड़ काटा उसको गिराना नहीं है, उसको जड़ों के साथ नीचे से उठा के कहीं और ले जाके लगाना है। इसकी वजह से हमारे पेड़ जो है पुराने पुराने, कई पेड़ ऐसे होते हैं 2-2 साल 400-500 साल पुराने पेड़ हैं, वो तो एक बहुत बड़ी धरोहर है, हमारा एसेट है। उन पेड़ों को हम कैसे खराब होने दे सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहां जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता था उसका बहुत पोल्यूशन होता था। हमने सारा पोल्यूटिंग फ्यूल जो है वो खत्म कर दिया, अब पीएनजी इस्तेमाल होता है, पीएनजी से पोल्यूशन नहीं फैलता। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी एक तरह से हम लोगों ने दिल्ली में खत्म कर दिया। मैं पढ़ रहा था हमारी दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने क्या क्या किया है। एक हम लोगों ने नारा दिया था, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। वो केवल नारा नहीं था, इतने काम किए, इतनी लंबी लिस्ट है कि हमने प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या काम किए, इतने सारे काम किए। उसमें से मैं बस थोड़े से 2-4 काम गिनाना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग सुनते हैं ना कि पराली जलाने की वजह से सर्दियों के अंदर प्रदूषण होता है, तो पराली को टैकल करने के लिए दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ एक घोल का आविष्कार किया और अब दिल्ली के किसान, लगभग सब लोग, दिल्ली के जितने भी किसान हैं, लगभग 5000 एकड़ के ऊपर दिल्ली में खेती होती है, दिल्ली के किसान अब पराली नहीं जलाते, वो घोल का छिड़काव कर देते हैं, पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिल्ली में पराली से, दिल्ली के किसानों की पराली से धुआं नहीं आता, पंजाब से धुआं आया करता है। पिछले साल पंजाब सरकार ने कई कदम उठाए, पिछले साल 30% धुआं कम हुआ पंजाब की वजह से। इस साल हम लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में हैं, इस साल हमें उम्मीद है और भी कम होगा, पूरा खत्म हो जाएगा उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस बार और भी काफी कम होगा। पंजाब से जो पराली का धुआं आता है उस धुएं को रोकने के लिए पंजाब सरकार अपने स्तर पे कई सारे कदम उठा रही है। फिर दिल्ली में पेड़, मैं तो पूरे देश भर में घूमता हूं, सारे बड़े बड़े शहरों में जाता हूं, बंबई, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, सबसे ज्यादा पेड़ आपको, सबसे ज्यादा हरियाली दिल्ली के अंदर दिखाई देती है, इतना हरा भरा शहर है हमारा। फिर मिट्टी की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, मिट्टी सबसे ज्यादा उसका कारण है। कई जगह हम सड़क पे देखते हैं सड़क टूटी पड़ी है, बगल में सड़क के साइड में मिट्टी है, सुबह सुबह झाड़ू लगती है उससे मिट्टी होती है, ट्रक जाते हैं ट्रक मिट्टी उड़ाते हुए जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए पूरी दिल्ली में हम लोग बहुत बड़े स्तर के ऊपर सफाई, दिल्ली की सफाई का बहुत बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं। दिल्ली की सारी सड़कों को हम मैकेनिकल स्वीपर से वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे ताकि वो डस्ट को सक किया जा सके, डस्ट उड़े ना, और हर हफ्ते दिल्ली की सारी सड़कों की पानी से सफाई हुआ करेगी ताकि वो जो डस्ट है वो उड़ना बंद हो। ये जब हो जाएगा तो एक तरह से यूरोपियन स्तर की जैसे सड़कें होती हैं, मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, ऐसी सड़कें अपनी दिल्ली की हो जाएंगी। पटाखों के ऊपर आप सब बच्चों के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी जो अब काफी सफल, शुरू शुरू में तो
थोड़ा सा विरोध हुआ था, लेकिन अब सब पूरी दिल्ली इसमें साथ देती है। और एक हमने ग्रीन ऐप बनाया है जिसमें अगर आपको कहीं भी कोई पोल्यूशन दिखाई दे, आप शिकायत करते हो, उसमें 58,000 शिकायतें आई हैं अभी तक, उनमें से 90% से ज्यादा शिकायतों का निवारण कर लिया गया है। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बनके तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है, वहां पे दूर दूर से पक्षी आने लगे हैं। और आज पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया जा रहा है और पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी के तहत कार्यक्रम के आयोजन किए गए और इसी के चलते आज जनपद में भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई और जगह जगह पौधारोपण कर लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया गया है। कानपुर देहात से एक खबर है जहां पर अंबिकापुर में 12 गांव में जाकर अकबरपुर की एक घटना है जहां पर 12 गांव पर नेशनल हाईवे प्रशासन के द्वारा वृहद तरीके के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेशनल हाईवे से जुड़े अधिकारियों ने टोल परिसर के खाली पड़े मैदान पर वृक्षारोपण किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे मुख्यालय के निर्देशानुसार वृक्षारोपण का शुभारम्भ किया गया इस सीजन के लिए। इसमें आज यहाँ पे हमने वृक्षारोपण किया, लोगों को जागरूक किया पर्यावरण के विषय में। और कानपुर इकाई के अंदर इस वर्ष हमारा 60,000 से ज़्यादा वृक्ष लगाने का लक्ष्य है, जिसमें के जो हमारे प्रोजेक्ट अंडर ऑपरेशन है, जो अमेरिकन अंडर कंस्ट्रक्शन है, सभी के अंदर हम 60,000 से ऊपर वृक्ष इस वर्ष में लगाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे मुख्यालय के निर्देशानुसार वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया इस सीजन के लिए। इसमें आज यहाँ पे हमने वृक्षारोपण किया, लोगों को जागरूक किया पर्यावरण के विषय में। और कानपुर इकाई के अंदर इस वर्ष हमारा 60,000 से ज़्यादा वृक्ष लगाने का लक्ष्य है, जिसमें के जो हमारे प्रोजेक्ट अंडर ऑपरेशन है, जो अमेरिकन अंडर कंस्ट्रक्शन है, सभी के अंदर हम 60,000 से ऊपर वृक्ष। और लखीमपुर खीरी की ओर रुख करेंगे जहां पर कदियाना गांव के प्रधान के घर में तेंदुए का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला यह शव, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तेंदुए की मौत के मामले में प्रधान की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस पर क्या ये आपसी संघर्ष ही हुआ है जो प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहा है उसमें, जिस हिसाब से गांव है उसके। इसके अलावा और सर मौके हो रहे हैं के इस पर क्या कहना नहीं, और कई कारण हो सकते हैं। देखिए पानी भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, दूसरा गर्मी इतनी हो रही है ना, गर्मी की वजह से टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। अच्छा सर, इसमें प्रयास कुछ लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद मारा गया है इसमें कुछ? अगर ऐसा कुछ होगा तो पीएम रिपोर्ट में क्लियर आ जाएगा। लगातार देखा जा रहा था तेंदुआ यहाँ पे, उसके लिए वन विभाग क्या साइटिंग हुई? बिल्कुल, लगातार स्टाफ हमारा लगा हुआ था, पर डे यहाँ पे गश्त कर रहा था, यहाँ भी कर रहा था और आपके बगल में जो गाँव है वो भाड़ापुर है, वहाँ भी लगातार था कहीं स्टाफ और ऐसी। और कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपनी जॉब पर वापस लौट गए हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने की खबर से इनकार कर दिया है। साक्षी मलिक का यह कहना है कि सत्याग्रह के साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ साथ निभा रही हूँ। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में खबर सामने आई थी कि साक्षी मलिक पहलवानों के आंदोलन से पीछे हट गई हैं। हालांकि साक्षी मलिक ने इन तमाम खबरों को गलत बता दिया है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ की लड़ाई में हम में से कोई भी पीछे हटा नहीं है और ना हटेगा, इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कदियान ने भी आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को गलत बताया था।
दरअसल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल रखा था और ये पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। ऐसे में पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और इससे पहले जनवरी में भी पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। खबर अब मुरादाबाद से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर आज अखिल भारतीय अधिवक्ता महासभा मुरादाबाद मंडल के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही अधिवक्ताओं की तरफ से 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस बीमा सरकार से देने की मांग की गई है। आज अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिला और इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा है कि पूरे संपूर्ण भारत के अंदर जितने भी अधिवक्ता हैं उनके लिए भारतीय स्वास्थ्य योजना शुरू होनी चाहिए। इस संबंध में वो प्रस्ताव जो है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार में पेंडिंग में है। इस संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग की है जो प्रस्ताव पेंडिंग है उसे पटल पर लाकर यथाशीघ्र लागू किया जाए ताकि अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिल सके। किसके नाम था? माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये ज्ञापन दिया है ताकि वो वहाँ से स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार पहुँचे और जो योजना है वो यथाशीघ्र प्रारंभ हो सके। आज अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिला और इस संबंध में बात और पहलवान साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कदियान का प्रदर्शन को लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा निर्णय उसको प्रभावित करने के लिए इस तरह की चीजें चलाई जा रही हैं, ये खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन हम विरोध से पीछे नहीं हटे हैं। हमारा विरोध जारी रहेगा। हमारे साथ जंतर मंतर पर जो भी हुआ है उसके बाद हम वापस आ गए हैं। हम आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। दिल्ली पुलिस ने जो हमारे साथ किया है वो पूरे देश ने देखा। सभी के खिलाफ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये देखिए, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूँ। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से और ना ही हम पीछे हटे हैं और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज पे कृपया करके ना चलाएं। दूसरा, हम जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहां पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। और लगातार 3 दिन से खबर है कि हमारा समझौता हो गया, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया, उनके पिता का वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। तो इस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने के लिए कृपया खबरें ना चलाएं। ये देखिए, और शिवपुरी से खबर है जहां प्रशासन ने रविवार को शहर के ईदगाह परिसर के बाहर अवैध रूप से बनी 15 दुकानों को जमींदोज कर दिया है। इस निर्माण में कई शिकायतें पहले भी दर्ज की गई थी और इसी के तहत कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने कई बार नोटिस भी जारी किया था लेकिन अमल ना होने के कारण आज प्रशासन ने अवैध रूप से बनी दुकानों को जेसीबी मशीन के जरिए जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई से पहले भी प्रशासन ईदगाह के आसपास के सभी छोटी गलियों और मुख्य सड़क पर आवागमन को बंद कर दिया था और भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। सर्वे नंबर 726 है, ये शासकीय नजूल पठार की भूमि थी जिस पर कुछ दुकानें निर्मित की गई थी जिनको पूर्व में नोटिस दे दिया गया था, काफ़ी समय दिया गया था। और फिर सुबह सुबह कुछ लोग आए जिनका कहना था कि साहब हम खुद ही उसको डिसमेंटल कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं अपने अमले के साथ, हमारा अमला उनकी मदद कर रहा है और खुद ही डिसमेंटल कर रहा है। कोई समस्या उसमें हुई नहीं। ये जो सर्वे नंबर 726, गाजियाबाद के हिंडन पुल के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हिंडन नदी में नहाते वक्त 2 युवक डूबने लगे। उसी समय उस्मान नाम के एक युवक ने हिंडन नदी में कूदकर एक युवक की जान बचा ली है, लेकिन उस्मान दूसरे युवक को ढूंढने में असफल रहा। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है और सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी, लेकिन दूसरे दिन भी 17 वर्षीय वरुण का कोई पता नहीं लग पाया है।
मौजूद हैं गाजियाबाद के हिंडन नदी पर, जहां पर दो लोग बच्चे नहाने के लिए आए हिंडन नदी में, जिसकी जो एक तो बचा लिया गया है गोताखोर के द्वारा और एक अभी तक नहीं मिला है। कल शाम 5 बजे का ये मामला है और इस संबंध में हम जानेंगे आखिर यहाँ पर क्या हुआ था और किस तरह से डूब गया और कहाँ से आए थे वो। क्या नाम है आपका? कुणाल शर्मा। कुणाल जी आप कहाँ रहते हैं? लोनी। क्या हुआ था कल? कल हम नहाने आए थे जी, तीनों जी। तो वहाँ से हम नहाने के लिए आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते बढ़ते हम हाथ पकड़ के आगे गए। कौन कौन आए थे? मैं, वरुण और दीपांशु। अच्छा, क्या हुआ फिर? आगे गए तो आगे भाव के कारण हम आगे चले गए जी, डूबते चले गए तो इस भाई ने हमारे दोनों का हाथ छूट गया, वो पीछे रह गया। अच्छा, कौन पीछे रह गया? वरुण। वरुण पीछे रह गया। अच्छा, फिर मैं आगे चला गया। अच्छा, मैं बेहोश हो गया था। तो आपको बचा लिया गया, कैसा लग रहा है आपको? बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है बचाने के बाद? अच्छा, वरुण को नहीं बचा पाए अभी तक, है ढूंढ रहे हैं उसको। अच्छा, किसने बचाया था आपको? और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे आखिर जिसने इन्हें बचाया है। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या देखा आपने? हमने ये भाई बड़े यहाँ जी, ये धार की वजह से ये नीचे उग गए जी। नीचे जाने के बाद वो भाई दो बार ऊपर आया, तीसरी बार उसका नहीं पता चला जी। फिर हमने इस भाई को बचाया है और इस गोले के साइड के यहाँ ये नीचे गुजा रहा बेहोशी में। अच्छा, एनडीआरएफ की टीम कब से बचाने का प्रयास, निकालने का प्रयास कर रही है, इसे ढूंढने का? ये तो सुबह से है। सुबह से लगे हुए हैं? हाँ जी। क्या कुछ खोज खबर लगी है उसकी? नहीं, अभी तक तो नहीं लगी, आगे देखेंगे। और देखा आपने आखिर किस तरह से गर्मी के मौसम में नहाना किस कदर से भारी पड़ा एक युवक को, जिसकी उम्र कितनी बताई, 17 साल बताई जा रही है, और वो यहाँ पर आके डूब गया इस नदी में। मैं आ रहा हूँ न्यूज से, सुधाकर चौहान, गाजियाबाद। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी निकाय चुनाव के बाद अमेठी लोकसभा के रायबरेली जिले में पड़ने वाले सलोन विधानसभा में लगातार जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दरअसल इस विधानसभा में पड़ने वाली 3 नगर पंचायत की सभी सीटें भाजपा हार गई थी। यही कारण है कि अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पंचायत चुनाव के बाद तीसरी बार यहां पर आज फिर से 2 दिवसीय दौरे पर और जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी। हम अमेठी वासी सभी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, प्रगति के पथ पर यूं ही प्रदेश अग्रसर रहे। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी सदैव तत्पर हैं, वो जनता के हितों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी शुभकामना। हम अमेठी कन्नौज पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया है। दरअसल पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री ने बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी न होने पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून औरों के लिए कुछ और खुद के लिए कुछ और, एक शख्स के लिए कानून कुछ और कर दिया गया, ये तो मुमकिन नहीं है। बहुत दिन से इस बात को कह रहे हैं कि एक शर्म की बात है हमारे मुल्क के लिए कि इस किस्म के इल्ज़ाम किसी पर भी लग रहे हैं। इल्ज़ाम साबित तो बाद में होते हैं, लेकिन जहां ऐसा इल्ज़ाम लगता है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो की जाती है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का मतलब ये है कि जो पुलिस को जो कदम उठाने हैं, पुलिस वो कदम उठाए, उसके बाद कोर्ट के सामने रखे। अगर उसकी कोई सफाई पेश कर सकते हैं तो वो कोर्ट के सामने सफाई पेश करें। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वो महिला रेसलर जिनको पदक मिल चुके हैं, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल से मिल चुके हैं, उनकी कही हुई बात और उनका शर्मनाक ये कथन इस बात का कि हमारे साथ इस किस्म की हरकतें हुई हैं, क्या हम उनका एहतराम इतना नहीं करेंगे कि उनके बात पर कोई कार्रवाई हो? अगर कार्रवाई में कोई गलत निकलता है तो कोर्ट फैसला करेगा।
लेकिन ये चल रहा है इतने दिन से, हम इस बात को कह रहे हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि इसको और एक उलझन में इसको हम फंसा दें। कोर्ट में भी ये मामला गया था, कोर्ट ने FIR रजिस्टर कराई, तो FIR रजिस्टर हुई तो उसके बाद अरेस्ट क्यों नहीं हो रही है, इसका अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। तो बहुत दिन से कानपुर देहात पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राम जानकी डिग्री कॉलेज में संत करीबदास की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उन्होंने कबीरदास की जयंती के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश को 7,000 नई बसें देने की घोषणा की है। आज हम लोगों ने संत शिरोमणि कबीर साहब की जन्म जयंती का कार्यक्रम यहाँ किया था, क्योंकि एक हमारी समिति है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती समारोह समिति, रजिस्टर्ड है और उसमें करीब 50,000 सदस्य हैं। परम पूज्य संत कबीरदास जी की जो है जयंती थी, उस जयंती के उपलक्ष्य में अपनी राज्य मंत्री महिला कल्याण प्रतिभा शुक्ला जी और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी जी द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम था। इसमें बहुत कबीर पंथ के सभी संत महात्मा और उनके अनुयायी बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। शाखा के और ज्ञानमय शाखा का प्रकाश डालने वाले संत कबीरदास जी की जो जयंती थी, उसके अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि वास्तव में कबीरदास जी के जो कृतियाँ रही हैं और जो उनकी भावनाएं रही हैं, जो हम अपने जीवन में उतारें तो सही मानवता प्रकट होती है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।